दोस्तों, एक कुटिया में एक संत रहा करते थे और संत के पास में रहा करता था एक उनका शिष्य। दोनों गुरु और शिष्य उस कुटिया में रहा करते थे और अपना भिक्षा मांगकर गुजारा किया करते थे। शिष्य का नाम था अथक। दोस्तों, जैसा उसका नाम था वैसा ही उसमें गुण भी था। वह काम करते हुए कभी नहीं थकता था, चाहे उसे कितना ही काम बता दिया जाए, हर काम को वह खुशी खुशी कर लेता था। बस यही कारण है कि गुरु को भी अपना शिष्य बहुत प्रिय लगता था। उनकी दिनचर्या हुआ करती थी कि रोज का नित्य मांग करके लाना, भिक्षा लेकर के आना और फिर अपना कुछ लकड़ियां बाहर से लेके आना और अपना खाना बना करके खाना और अपना अध्ययन करना और अपने जो भी आने वाले थे उनको कुछ उपदेश की बातें बताना। बस यही उनकी दिनचर्या हुआ करती थी। उनके पास लेने देने को, रखने को कुछ भी नहीं था। जितना मांग करके लाया करते थे उतने में ही गुजारा कर लिया करते थे। पर शिष्य में एक खासियत थी कि वह अपना काम भी करता और गुरु के भी हर काम किया करता था। और उसके साथ में जब भिक्षा मांगने के लिए जाता तो वह यूं ही भिक्षा नहीं मांगा करता था। जब भी किसी से भिक्षा मांगता तो पहले देख लेता था इस घर का कौन सा सदस्य क्या काम कर रहा है, तो वह पहले उसके काम में हाथ बटाया करता था। हाथ बटा करके और फिर अपनी भिक्षा के लिए अपनी भीख मांगता था और अपना काम करता था। ऐसे दो चार घरों से भी उसे भिक्षा मिल जाया करती थी, उन्हें अधिक भिक्षा की आवश्यकता भी नहीं रहा करती थी। वो ही अपना बना लिया और खा लिया। पर शिष्य के इस प्रकार के प्रभाव से गांव वाले उससे बड़े खुश रहा करते थे। गांव वाले अथक का नाम लेते लेते थकते नहीं थे, क्योंकि वह और भिक्षा मांगने वालों की तरह से नहीं था ना। वह आएगा, कुछ ना कुछ करेगा और फिर भिक्षा मांगेगा, यह उसकी आदत बन चुकी थी। ऐसा ही चलते हुए कई महीने गुजर गए तो एक बार देखा शिष्य ने कि उनके गुरु हैं वो कुछ दिन से उदास उदास रहते हैं। पूछ ही लिया शिष्य ने, आखिर शिष्य का पूछने का भी फर्ज भी बनता है। और शिष्य ने पूछ लिया गुरुदेव कि आप किस कारण से उदास रहते हैं। गुरुजी ने भी उनको स्पष्ट बता दिया कि मेरी उदासी का कारण क्या है। उन्होंने बताया कि मेरे गुरुदेव को समाधि लिए हुए आज 5 साल हो गए, मैंने अभी तक उनका स्मृति चिन्ह भी नहीं बनवाया और ना ही किसी को भोजन करवाया, मेरे पास कुछ था ही नहीं। अब मैं सोच रहा हूं कि कहीं मैं ये गुरु का भार लेकर के ही इस दुनिया से ना चला जाऊं, इसी सोच में मैं रात दिन रहता हूं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, देने वाला भी वही, करने वाला भी वही, फिर
फिर आप चिंता क्यों करते हैं? मैं प्रयास करके देखता हूं ना। आप अपनी तारीख रखिए और निमंत्रण भेजिए। गुरुदेव ने तारीख रखी और निमंत्रण भेज दिया। दोस्तों, अथक को इतना चाहने लगे थे लोग कि वे चाहते कि हमारे घर आए और भिक्षा लेकर के जाए, हमारे घर आए भिक्षा लेकर के जाए। अब अथक हर घर में गया और उन्होंने अपने गुरुदेव की इन बातों को बताया और बताया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, इतना उसका कहना था कि सामान पर सामान उनकी कुटिया में पहुंचने लगा। उनकी मदद करने वाले इतने लोग वहां पर पहुंचने लगे जो कार्य भी करते, सामान भी देते, जो जरूरत थी वे सब करने लगे और वहां पर एक इतना शानदार एक स्मृति चिन्ह बनाया। और दोस्तों, पूरे ग्राम वासियों को भोजन भी करवाया और इतना सामान बचा कि गुरुदेव अपने शिष्य की ओर देख करके आंखों से अश्रु बहाने लगे। खुशी के आंसू थे, सोच रहे थे कि मुझे जो शिष्य मिला है वह शिष्य नहीं कोई देव है। और यह कहकर उन्होंने अपने शिष्य की ओर देख करके और शिष्य को अपनी छाती से वक्ष स्थल से लगा लिया। आंसू लगातार बह रहे थे अपने कार्य को देख करके। संत इतने प्रफुल्लित थे कि वे अपनी बातों को शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे। दोस्तों, यह था अथक के उस काम का फल। जो भिक्षा मांगने के लिए जब जाता तो वह केवल भिक्षा नहीं मांगा करता था, पहले काम करता था। जैसा भी उसके लायक काम था वो थोड़ा काम करके ही भिक्षा मांगा करते थे। और उसी से गांव वाले उससे इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने इतना दिया कि उनका कार्य तो संपन्न हुआ ही हुआ, सालों भर का भंडार भी उनके पास भर गया। दोस्तों, मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वह यही है। ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया? हमारे पास काम करने के लिए हाथ, कहीं पर जाने के लिए पैर, मन बुद्धि, बात करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए मुख, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें, स्वाद दिष्ट भोजन के लिए जिह्वा, क्या क्या नहीं दिया आपको, फिर भी हम मांगते रहते हैं प्रभु से। दोस्तों, आज से एक नियम बना ले कि मांगे, जरूर मांगे। मैं ये नहीं कहता कि आप परमपिता परमेश्वर से ना, और यदि आप यह एक चीज मांगने लग गए ना तो दोस्तों जीवन बदलने लग जाएगा। आप यह करके देख लेना, बड़ा आसान प्रयोग है। आप सुबह उठते हैं, उठते ही सबसे पहले प्रभु को, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस
आप मेरे लिए एक काम और कर दें कि आप मुझे निरंतर काम दे दें। आपने यही दो तीन शब्द बोलने हैं, निरंतर काम दे दें। दोस्तों, यदि आपने परमपिता परमेश्वर से अब एक यह चीज मांग ली ना कि निरंतर काम दे दें, दोस्तों जो निरंतर काम करते रहे, काम को कभी छोटा बड़ा नहीं समझा, वह देश के प्रधानमंत्री भी बने और देश के राष्ट्रपति भी बने। आप छोटी छोटी बातों के लिए मांगते रहते हैं। बस आप मांगे तो एक चीज प्रभु से मांग लें कि निरंतर काम दे दें। प्रभु हमें निरंतर काम दे दें। और दोस्तों, जब आप ऐसा नित्य दोहराएंगे ना तो काम भी आपको मिलने लगेगा और काम से आपको मान सम्मान भी मिलने लगेगा, रिद्धि सिद्धि भी मिलने लगेगी और काम भी छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, और आपको ऐसा काम मिलने लगेगा आपका जीवन बदलते देर नहीं लगेगी। आप मांगते रहें काम, परमपिता परमेश्वर से आप काम मांगे, कुछ ना मांगे, आपने अगर यह काम कर लिया ना दोस्तों, सुबह सुबह उठ करके ही उठते ही यही काम करना है आपने। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने सब कुछ दिया, आप मुझे बस निरंतर काम दे। दोस्तों आप देखेंगे कि आपको काम मिलने भी लगेगा। आपकी बार बार शिकायत रहती है कि हमें काम नहीं मिलता, काम भी मिलने लगेगा। आप देखेंगे कि दो चार दिनों में ही आपके पास काम आने लगेंगे और आपका जीवन बदलने लग जाएगा। दोस्तों अच्छा लगता है, अपने यार दोस्तों को बता देना। और आपके लिए सिर्फ इतना ही, शीघ्र ही फिर मिलते हैं दोस्तों। सदा खुश रहें, तब तक के लिए जय माता।